अरे कोलकाता जोन। हाँ अरे कोलकाता। हाँ, वो कल शाम को जब रिजल्ट आया उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, 70 नंबर वालों का नहीं हुआ। क्या गड़बड़ी है? मान लो जैसे कि जिन्होंने मतलब फिजिकल यूआर से क्लियर किया था, हाँ और उनका अभी जो फाइनल मेट में यूआर से नहीं हुआ तो उनको वापस कैटेगरी में नहीं लिया, ऐसा मिस्टेक हुआ इसमें, देखिए आप। नहीं, कैसे होगा? नहीं तुम्हारा उस टाइम पे 3 गुना बुलाया था पीटी में, नहीं और फिर अभी तो 1:1 जितना वैकेंसी है उसमें, जो यूआर मेरिट में आया है वो अभी कैसे आएगा, क्योंकि यूआर का नहीं, वैकेंसी तो ओबीसी जितना जैसे है आ उसका रहे हैं, मुताबिक तो। ओबीसी का कोई लड़का, उसका 72 75 ऐसे कुछ नंबर है, लेकिन उनका भी नहीं हुआ ओबीसी ईडब्ल्यू एसटी एस नहीं टी नहीं में। नहीं ओबीसी में जो हुआ है वो उस टाइम पे देखना पड़ेगा, उसका जो मेरिट लिस्ट बना है वो यूआर का अगेंस्ट में मेरिट लिस्ट बना कि नहीं। वो हाँ अगर वो यूआर यूआर का मेरिट लिस्ट में आता है तो ओबीसी में नहीं आएगा, अच्छा, वो उसको यूआर मतलब में चीट करेगा उसका मतलब उसका उसको फिजिकल चीट। फिजिकल में यूआर से हो गया तो आप वापिस कैटेगरी में नहीं आएगा वो। फिजिकली वो सोचो, फिजिकल में वो पास हुआ है, हाँ फिजिकल में कोई यूआर से ओबीसी पास हुआ है। कैंडिडेट को यूआर में पास हुआ है तो हाँ उसको यूआर का कटऑफ मार्क के मुताबिक उसको बुलाना है डीवी में। डीवी का तो कटऑफ मार्क अलग है, और डीवी में तो ये वो जितना वैकेंसी है उसका मुताबिक बुलाना है, उसमें तो सबको बुलाएगा नहीं। वो तो पीटी में तो 3 गुना बुलाया था, थ्री हाँ हाँ ऐसा टाइम्स बुलाया था, तो अभी तो उतना नहीं, अभी तो 1 टाइम बुलाएगा हाँ, नहीं वो सही हुआ तो कटऑफ मार्क में कैसे आएगा? वो आएगा नहीं, वो तो फिर कम नंबर कैसे वालों, आएगा? फिर जो जो कैटेगरी में जो कम नंबर थे उनका हो गया, जो जो कम ओबीसी में जो 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 ओबीसी में जिसको यूआर मेरिट में हुआ नहीं, ओबीसी मेरिट में हुआ है वही आएगा सिर्फ रिजर्वेशन में, और वो अनरिजर्व में आएगा जनरल में, उसको जनरल में चीट करेगा लेकिन वो उसने तो पहले वो उसने नहीं तो आएगा। अच्छे नंबर थे, उसने फिजिकल में जनरल का निकाला, लेकिन आप नहीं, वो उसका आएगा नहीं, आएगा नहीं, वो ओबीसी में, वो तो उसको तो यूआर में चीट किया है ना, तो तो फिर कैसे उसके आएगा? वो फिर ज्यादा नंबर, तो फिर ये तो गलत हुआ ना उनके साथ। नहीं गलत कैसे होगा? अरे सुनो, अगर किसी ने ओबीसी है उसको अगर 80 मिला है वो जाएगा जनरल मेरिट में, क्योंकि जनरल मेरिट का जो कटऑफ मार्क उससे उसका ज्यादा नंबर है, इसीलिए उसको यूआर में चीट करेगा। और जो जो ओबीसी का नंबर कम है वो ओबीसी में आएगा रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन में, तो उसमें उसका अगर 60 भी मिलता है वो ओबीसी में ही आएगा, हाँ उसको वो यूआर में नहीं लिया जाएगा। तो अगर यूआर में जिसको बुलाया है कोई ओबीसी कैंडिडेट को पेट के लिए, हाँ, उसको तो डीवी के लिए तो वो कदम मार्क्स में नहीं आ रहा, यूआर कदम मार्क्स में, तो उसको कैसे बुलाएगा? वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो अब कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो सर।